इस वक्त मैं पहुंच चुका हूं पत्तन मिनारा पे, और पत्तन मिनारा के बारे में मैं आपको बताते चलूं कि पत्तन का मतलब होता है दरिया के किनारे पे खुश जगह को पत्तन कहा जाता है, और मिनारा का मतलब होता है मीनार। तो आइए चल के दिखाते हैं और आपको इसकी हिस्ट्री बताता हूँ। और ये आपने देखा रास्ता जो है शहर से निकल कर एक बड़ा खूबसूरत रास्ता, बीच में खेत और खलिहान आते हैं सारे, और एक बयाबान है पूरा ना, लेकिन रोड बड़ा साफ़ सुथरा बना हुआ है, और तकरीबन कोई 20 से 25 किलोमीटर का टोटल रास्ता होगा मेरे ख्याल से। और अगर मेरे ख्याल से अगर आप शेख जैद हॉस्पिटल की तरफ से आएँ तो इससे भी कम है 15 किलोमीटर। तो इसकी तहजीब के बारे में कहते हैं कि 5000 साल पुरानी तहजीब। आई आपको दिखाता हूँ। पत्तन दरिया के किनारे खुश्क जगह को कहते हैं, और मिनारा मीनार को कहते हैं। पत्तन मिनारा का मतलब है खुश्की पर मीनार। पत्तन मिनारा रहीम यार खान के आसारे कदीमा में सबसे ज्यादा कदीम बताया जाता है। पत्तन मिनारा हाकड़ा दरिया की तहजीब का हिस्सा है और इसकी सकाफत 5000 साल पुरानी है। बरतानवी दौर में कर्नल मंचन ने 1870 में इसकी खुदाई करवाई, तो यहाँ से कदीम अंदाज से बनाई हुई शेरों की तस्वीरें मिली थीं। पत्तन मीनारा के 4 दरवाजे थे जो अब खंडरात की शक्ल में मौजूद हैं। उन्हें बंदोर, खोखार, बंडार और पत्तन मीनारा कहा जाता है। राजस्थान से ताल्लुक रखने वाले इंडियन तारीखदान प्रेमचंद गांधी का कहना है कि तारीख के निशानात राजस्थान और पाकिस्तान में पत्तन मीनारा पर मिलते हैं। राजस्थान में पड़वेल, बदरकाली, रंगमहल, कालीबंगा, पीलीबंगा और पत्तन मीनारा की तारीख 5000 साल पुरानी है। राजस्थान में सरस्वती, जिसको पाकिस्तान में हाकड़ा नदी कहते हैं, एक बहुत बड़ी नदी थी। इस नदी के किनारे मिट्टी में शहरों, कस्बों और गांवों के निशानात दबे हुए मिलते हैं। इन निशानात को हमारी जबान में तहड़ कहा जाता है, यानी मिट्टी के ढेर। इन मिट्टी के ढेरों में एक तारीख दफन है और इस तारीख की पूरी दुनिया में अहमियत है। और इस वक्त मैं इस मीनार के अंदर मौजूद हूँ बिल्कुल, और आप देख सकते हैं इस मीनार के अंदर जो है वो किसी दौर में ये बहुत ऊंचा हुआ करता होगा, और इसके अंदर चरागा करने की जगह भी मौजूद है अंदर। ये देख सकते हैं आप, यहाँ पे किसी दौर में चरागा हुआ करता होगा। कहते हैं कि 5000 साल पुरानी तहजीब जो है, जो मौजूदा वाली तहजीब है, ये वही तहजीब थी यहाँ पर जो अब ख़त्म हो गई है, लेकिन ये मीनारा या मीनार अभी भी बाकी है। और एक चीज़ मैं आपको और दिखाऊं, जो पीछे आपको मस्जिद नज़र आ रही है, वहाँ पे किसी दौर में जो है मंदिर हुआ करता था, जिसको तोड़ के जो है अब वो मंदिर मस्जिद बना दी गई है। पत्तन मीनारा कालीबंगा और पीलीबंगा के रास्ते पर है। सरस्वती यानी हाकड़ा नदी इतनी बड़ी थी कि समंदर से जा मिलती थी, और पत्तन मीनारा एक बहुत बड़ी बंदरगाह थी। इस नदी में हजारों साल पहले भी बड़े बड़े जहाज चलते थे और पूरी दुनिया से तिजारत की जाती थी। फिर एक जलजला आया और नदी ने अपना रास्ता बदल लिया और ये शहर तबाह हो गए। इसी तरह इस नदी के किनारे आबाद लोग दूसरी जगहों पर चले गए और ये वीरान होते चले गए। पत्तन मीनारा एक खुशहाल शहर और हिंदुओं की अजीम इबादतगाह थी। लोग सिंध और जैसलमेर से राजा शौरात्री का
त्यौहार मनाने इस पत्तन मीनारा के मुकाम पर आते हैं। मौरखीन के मुताबिक सिकंदर आजम 325 कबल मसीह में 500 ब्राह्मणों के हमरा इस पर हमला आवर हुआ और इस कदीम सल्तनत के बादशाह म्यूसिकेंसिस को फांसी पर लटका दिया। तो लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगली वीडियो तक इजाज़त दें, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।